संगीता चौधरी आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की गोशाला रोड की डायरेक्टर हूँ और मैं स्त्री प्रसूति और बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी हमारे पास वो एक लीलावती देवी मरीज जो आई थी बहरीन की, वो पेशेंट जो है कि उसको बहुत तरह का मतलब मासिक का प्रॉब्लम था, जिसमें बहुत दिनों तक मासिक गिरता ही रहता था और बहुत ज़्यादा गिरता था और कभी भी कोई साइकिल का टाइम नहीं था। बीच में महीना के बीच में कभी भी 5 दिन 4 दिन 10 दिन तक ही रुकता था, उसके बाद फिर आ जाता था। तो इस पेशेंट का जब मैंने कुछ ब्लड टेस्ट किया और अल्ट्रासाउंड के लिए ले गई, तो मुझे बहुत बड़ा साइज लगा यूट्रस का और बहुत सारे बड़े बड़े ट्यूमर नज़र आए। फिर उसको एडिनोमायोसिस की भी बीमारी थी, फाइब्रॉयड भी था और एंडोमेट्रियोसिस था। बिल्कुल यूट्रस हिल नहीं रहा था, इतना भारी बच्चेदानी हो गया था, हिल नहीं रहा था। और हम लोगों ने फिर उसको टेबल पर लाके हाथ से चेक किया, तो हाथ से चेक करने पे बड़ा सा दोनों हाथ के बीच में इतना बड़ा साइज यूट्रस का आया। तो हम लोग उसको ओटी में तो ले गए, लेकिन हम लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं जानते हैं कि आपका नीचे से बच्चेदानी, हम लोग नीचे से कोशिश करते हैं कि नीचे से निकालेंगे, लेकिन नीचे से जब निकालने गई तो बिल्कुल यूट्रस जो है औजार से घूम भी नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था। तो 2-4 क्लैंप लगाकर ऑपरेशन करने के बाद मैंने फिर प्लान चेंज कर दिया और ऊपर से उसको चेक किया, तो पता चला कि उसमें अतड़ी और पेशाब का थैली सब चिपका हुआ था, जिसके कारण से वो हिल नहीं रहा था। तो उसको धीरे धीरे सेपरेट करके और उसको वो मैंने फ़ोटो भी लिया और वीडियो भी लिया कि उसको धीरे धीरे अलग करके हम लोगों ने उसको वीडियो बनाया। और ये उसके बाद से अभी देखिए कि मरीज को हवा भी छूट गया, अच्छे से घर भी चली गई, टाका कटाने भी आई थी, सब ठीक है और मरीज बहुत अच्छी है। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर गोशाला रोड की डायरेक्टर हूँ, स्त्री प्रसूति और बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। और ये बहुत क्रिटिकल केस था, इसको करने में बहुत डर भी लगा, बट चैलेंज लेने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैंने इतना सीरियस केस का चैलेंज लिया था। और 40 साल की ये मरीज़ थी, इसको एक भी बच्चा नहीं था और इसको वो फाइब्रॉयड बीमारी में लिखा ही जाता है, जेफकॉट में बुक में लिखा है कि अगर भगवान आपको बच्चेदानी में बच्चा नहीं देते हैं तो आपको ट्यूमर देते हैं। तो इसको ट्यूमर के साथ फाइब्रॉयड के साथ एडिनोमायोसिस और बहुत तरह का एंडोमेट्रियोसिस जो आजकल नया चला है, ये बीमारी भी था और बहुत उसके कारण चिपका रहता है, मासिक में बहुत दर्द होता है, ट्यूमर मार्कर बढ़े होते हैं और सारे साइज इसके बहुत गड़बड़ थे। फिर भी हम लोगों ने सुन करके मरीज को और ऑपरेशन किया और मरीज ठीक होके घर। धन्यवाद। का दिक्कत रहला, काउची का ऑपरेशन समझ बराबर दिक्कत रहला, लेकिन और का दिक्कत रहला बचदानी में, और कौन दिक्कत रहला दिक्कत रहला एनसीआर कर द कर रहला और ही आउ कुछ। अच्छा, और का दिक्कत रहला ट्यूमर रहला कहाँ बचदानी में कगो ऑपरेशन के बाद मालूम चलो ट्यूमर बाहर है बजदानी में ढेर रहे बाहरी निकल तो जन नहीं को ट्यूमर बा। अच्छा, तो ग्राम गार्जियन देख लो ट्यूमर बा। हाँ, बड़ा बचदानी रहे। अच्छा, कौ दिन हो गए जी।